मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 650। आज का शो मेरा है 650 और शो का टॉपिक है निजात का इकरार। शो का टॉपिक है निजात का इकरार और यह हवाला है मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 10 बाप और 10 और 11 आयत पढ़ूंगा। 10 बाप और उसकी 10 और 11 आयत पढ़ूंगा और यूं मरकूम है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। और यही मेरा टॉपिक है। और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चनाचे कलामे मुकद्दस ये कहती है, चनाचे कलामे मुकद्दस ये कहती कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। जो कोई खुदा बाप और बेटे पर ईमान लाएगा वो कभी शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि और यही आज का जो हवाला है 10 और 11 आयत, 10 बाप की, और फिर पढ़ूंगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना लाजमी होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चनाचे किताबे मुकद्दस ये कहती है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। खुदावन के आज के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का ये खूबसूरत हवाला निजात के हवाले से और कलामे मुकद्दस से भी एक ही है, कहा जाता है कि जो निजात का या खुदा को कबूल करना या उस पर ईमान लाना वो तो दिल से है, लेकिन निजात का इकरार मुंह से करना, लेकिन मुंह से और दिल से ही है। और इस बात का भी इकरार करे कि हमारा निजात जिंदा खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह, जिसने हमारी निजात के लिए स्लीप पर जान दी, और वही निजात जिंदा है और उसी से ही हमें निजात मिली है। तो इसलिए हमें निजात का बहुत, जब तक हम निजात के अवतार लोगों में शामिल नहीं होंगे, हम मुंह से इकरार भले करते जाएं लेकिन दिल में और दिमाग में भी ऐसी चीजें रखे, तो फिर हम जरूर निजात का जो इकरार करेंगे तो जरूर हमें निजात मिलेगी। और एक बहुत खूबसूरत पोच सबसे पहले पढ़ूंगा दया सुनील की। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हकीकत में उसी वक्त हमारे पास सब कुछ होता है, यानी खुदा और खुदा का बेटा, और उसी से ही हम निजात का इकरार करते हैं। और यही हम कभी भी परेशानी में सोचे ना, परेशानी तो जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए हमने कभी भी मायूसी में या परेशानी में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास बहुत कुछ है, जिंदगी है, जिंदगी की सारी नेमते हैं, एक एक चीज जो खुदा ने हमने दे रखी है वो सारी मुकम्मल है, कंप्लीट है। और इस बात पर भी ना सोचे कि मैं अकेला रह गया हूं, हम अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि खुदा बाप और खुदा बेटा हमारे साथ है और उसकी निजात हमारे साथ है, और हम कभी भी अकेले नहीं हो सकते। ये तन्हाई में ऐसी सोचे जरूर आती, लेकिन अगर खुदा बाप और उसके बेटे और बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहें और अपने पुख्ता ईमान का इकरार करते रहे तो हम कभी भी अकेले नहीं हो सकते। मार्क आइलैंड साहब की पोस्ट है, खुदावन के मंसूबे
आपकी ना उम्मीदी से ज्यादा खूबसूरत हैं। सब्र कीजिए और खुदावंद का शुक्र अदा करें। बिल्कुल सच्ची बात, सच्ची और अच्छी बात। हमने खुदावंद के मंसूबों पर चलना चाहिए। हम तो दुआ करते हैं कि रात को दुआ की और सुबह जब हम उठे तो वो हमारी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। ये ऐसा नहीं होता। खुदा के मंसूबे क्या है, उसने कब देना है, कब उसने हमारे लिए क्या रखा है, जो मांगते हैं, लेकिन उसने देखना है क्योंकि उसका मंसूबा है। हम मांगते हैं लेकिन देना उसका काम है और वक्त वो जानता है। तो इसलिए हमें सब्र करना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करते जाएं। और साथ साथ जो भी आप तो अपने दिल से या अपने आपको क्या जरूरत है, दुख तकलीफ बीमारी है, घरेलू परेशानी है, जो भी है, सब्र के साथ मांगते जाएं, दरवाजा खटखटाते जाएं, तो वो जरूर खोलेगा और निजात का भी इकरार करे और निजात का दरवाजा भी आपके लिए खुला है। राजा कामरान साहेब इटली से, वो लोग जिन्होंने सर्दी गर्मी सिर्फ खिड़कियों से देखी हो, वो लोग जिन्होंने सर्दी गर्मी सिर्फ खिड़कियों से देखी हो, वो भूख सिर्फ किताबों में पड़ी हो और भूख सिर्फ किताबों में पड़ी हो, वो आम आदमी की क्यादत नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। ये किन के लिए? ये उन लोगों के लिए, उन अमीर लोगों के लिए कि जिनके पास कमी नहीं, और उनके बच्चों के लिए जब वो बचपन से देखते हैं, क्योंकि बाहर निकलना नहीं है, अंदर ही बैठे सर्दी गर्मी, क्योंकि उनको सारी सहूलतें अंदर ही मिल जाती हैं। तो सर्दी और गर्मी किसको पता लगता है, जो हम जैसे गरीब हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े कोठियों में नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने मजदूरी भी दिन में करनी है, सर्दी में करनी है, सख्त गर्मी में करनी है, इसलिए उनको पता है। हम गरीब लोगों को पता है कि गर्मी क्या है और सर्दी क्या है। और जो जिन्होंने गर्मी और सर्दी बाहर निकले नहीं, तो उनको क्या पता है गर्मी है क्या सर्दी। और वो ही लोग उन आवाम की क्यादत करना चाहते, बहुत अच्छी बात। वो क्या क्यादत करेंगे जिनको गरीब का एहसास भी नहीं, गरीब की मुश्किलात का भी पता नहीं, और जिनको सर्दी और गर्मी का नहीं पता, जिनको भूख का नहीं पता, जिनको बीमारियों का पता नहीं है, तो वो क्यादत क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में क्यादत वो ही करते हैं जिनको नहीं पता, लेकिन हम उनको ही कुर्सी सदारत पर बिठाते हैं। सर यूसुफ परवाज फिलाडेल्फिया से गजल बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत सीनियर शायर हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। मेरे दिन रात पर नगार रखे, कौन? हमारा निजात याफ्ता, हमारा खुदा, खुदा का बेटा। हमारे दिन रात पर नगाह रखे, हर बात पर नगाह रखे, वो हर एक बात पर नगाह रखता है। और हमें क्या जरूरत है, एक एक चीज पर वो नगाह रखता है। हम नहीं मायूस हो जाते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले पोस्ट पढ़ी थी दया सुनील की, जब हम सोचते कि हमारे पास कुछ नहीं, हकीकत में उसी वक्त हमारे पास सब कुछ होता है, यानी खुदा। और वो खुदा हमने दिन रात जो है वो अपनी निगाह में रखता, अपनी नजरों में रखता कि हमें क्या चाहिए, क्या जरूरत है, और हर बात पर वो निगाह रखता है, हर बात पर वो निगाह रखता है। मेरी सोचों को बिखरने ना दे, मेरे जज्बात पर निगाह रखे है। बिल्कुल, मेरी सोचें क्या सोचें हम, मेरी खुदा करे हमारी सोचें अच्छी हों, मुस्बत सोचें हों, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, और साथ साथ अगर मसीही कौम के लिए भी अच्छी सोचें हों, तो वो हमारे हर एक जज्बात पर वो निगाह रखता है, वो देखता है। और हमने अच्छे जज्बात रखने चाहिए,
तो वो तो जब वो निगाह में रखता है तो वो हमारी हर हर जज्बात को, हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा। लो रोशनी, लो तुझे ना दे उम्मीदों की, लो तुझे ना दे उम्मीदों की, याद की बात की गाद पर नगा रखे है वो, लो तुझे ना दे उम्मीदों की, वो जो हमें ना हमारी उम्मीदें हैं उनमें वो रोशनी देता है, देखता है, और हमने कभी भी एक एक चीज की वो घात में बैठा है। कि घात का मतलब तो ये होता है कि किसी की घात लगा के बैठ जाना, कि जैसे कोई भी बुराई करनी तो हम घात, बंदूक चलाने वाली के हम घात में बैठ, शिस्त में बैठते हैं, और वो तो आम आदमी, लेकिन खुदा हमारी घात में, हमारी जरूरतों की घात में बैठा है, और वह एक एक चीज पर निगाह रखता है। वो तशफी है, बहुत अच्छा है, वो तशफी है, इत्मिनाने का लफ्ज है, वो तशफी है, वो शफा देने वाला है, वो शफा देता है, इत्मिनाने का लफ्ज है, जो हमारी दिल की खुशी है, जो हम चाहते हैं वो दिल से सुनता है और हमारी एक एक तलब को पूरा करता है। सुख और सदमात पर निगाह रखे है, हमारे सुखों पर, हमारे दुखों पर, हमारी जरूरियाती पर, एक एक चीज पर वो निगाह रखता। बहुत अच्छे सर जी लिखा है, और हम क्योंकि वो तो अक्सर बाइबल मुकद्दस की बात है, जो ना सोता है ना ना सोता है ना ऊँघता है, तो वो किस लिए? क्योंकि उसको हम, हमारे ऊपर उसकी निगाह है, दिन रात जो उसकी मखलूक है, जिस इंसान को उसके ने बनाया है, उसकी एक एक चीज पर निगाह रखता है, उसकी क्या जरूरत है, और वो मांगने से पहले भी जानता है कि हमें क्या जरूरत है। रोशनी दे मुझे मोहब्बत की, बहुत खूबसूरत है, और अगर हम ये रोशनी मोहब्बत की मांगे, प्यार की मांगे, खुलूस की मांगे, तो जरूर हमें वो देगा जो मेरी जात पे नगाह रखे है, मेरी जात पर, मेरी और आपकी जात पर नगाह रखे हुए, कि हमने क्या चाहिए, हमने एक एक चीज का उसको पता है, एक एक सांस का उसको पता है, ये भी जानता है कि कल मुझे सांस मिलनी है कि नहीं मिलनी, रात को सांस मिलनी, क्योंकि ये भी उसको ही पता है कि कब किसको लेके जाना है और कब किसको इस दुनिया में भेजना है। बहुत खूबसूरत उसकी कुदरत का ये करिश्मा है, बहुत अच्छा उसकी कुदरत का ये करिश्मा है, सबकी औकात पर नगाह है, नगाह रखे है, बहते दरियाओं पर भी कादर है, बिल्कुल बहते दरियाओं पर भी काबिल है, जो क्या है वो कादर है, सेल और आफात, आफात पर नगाह रखे है, वो दरियाओं पर, समंदरों पर, एक एक चीज पर कादर है। जैसे दुनियावी तौर पर आप जो भी करते हैं, आप कहते हैं जी मुझे इसका पता है, इसको कहाँ से चलाना है, इसका क्या तरीका कार है, तो यही है, क्योंकि दरियाओं, समंदरों, एक एक चीज को वो उसने बनाया है और उस पर कादर है, वो हुकूमत करता है, वो कादर है, कादर मुतलक है, सील और वफाद पर निगाह रखे है, कोई भी आपते आ जाए वो उस पर निगाह है उसकी, लेकिन वो कब तक रहनी है ये भी उसकी निगाह में है, जैसे कोरोना वायरस है, वबा है, चल रही है अभी तक, लेकिन कब तक रहनी है ये उसकी निगाह में है, सजा है, क्या है, किस वजह से है ये भी उसकी निगाह में है, और कब तक रहनी है ये भी उसकी निगाह में है, लम्हा लम्हा हिसाब में रखे है, बिल्कुल मेरे और आपकी सांसों का हिसाब है और दूसरी चीजों का, और क्या वाकई हम दिल से इकरार करते हैं, मुंह से इकरार करते हैं कि वाकई हम उसकी निजात का और उसके बेटे का ख्याल रखते हैं जो निजात हिंदा है। यूं भी हालात पर नगाह रखे, हमारे हालात अच्छे हैं बुरे हैं कैसे भी हैं, वो एक एक चीज पर नगाह रखे हुए है, लम्हा लम्हा हिसाब में रखे हैं, एक एक चीज पर, एक एक सांस पर,
एक एक जर्रे पर, एक एक चीज पर, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़े, आसमान से जमीन तक और जमीन की ग्रहियों तक, जहां कुछ भी उसकी जो मौजूद है जिंदगी, वो उस पर ख्याल रखे है और यूं भी हालात पर निगाह रखे है। उसकी नजरों के सामने है सब कुछ, बिल्कुल एक एक चीज। ये दुनिया का जो निजाम है, दिन रात चांद सतूरे सितारे जो कुछ भी है, वो उसकी निगाह में है और उसकी नजरों में है। जीत पर मात नकार रखे है, क्या बात, बहुत खूबसूरत। जीत पर भी हमारी जीत भी उस पर भी उसको पता है। कई बार हम जीते जीते हार जाते, क्योंकि हमारी जीत हमारी किस्मत में वो जीत नहीं, लेकिन वो मात पर भी हम क्यों हारे, किस वजह से हारे, क्या वजह बनी, ये तो हमें सोचना। लेकिन हार को हार ना समझे, फिर अगली चीज अगले वक्त के लिए इंतजार करे। अगर मेहनत का मोल है तो उससे ज्यादा मेहनत कर। अगर हमें निजात चाहिए तो हमें पाकलाम के पढ़ना चाहिए, खुदा की बातों पर, खुदा के बेटे की बातों पर, उसके हुक्मों पर। तो फिर क्या है, हम निजात का जब इकरार करेंगे तो हमें निजात क्यों नहीं मिलेगी। निजात तो मिल चुकी है, लेकिन हमने उस पर काम करना है और उसकी एक एक बातों को मानना। टीना विलियम निटनी से उन्होंने लिखा, तुम्हारे असल करदार की पहचान उस वक्त होती है जब तुम उन लोगों की मदद कर रहे हो जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल 100% मेरी बहन, छोटी अच्छी पोस्ट है कि हम हमारे करदार की, हम क्या, हम तस्वीरें बना के करदार नहीं, हकीकत में हम उनके लिए जो जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, कि तुम उन लोगों की मदद कर रहे जो जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर। तो जाहिर है गरीब आदमी अमीर आदमी के लिए या जो अच्छे लोग हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। हमने ही इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए और इस चीज को मद्देनजर रखते कि ये भी खुदा की मखलूक है, ये भी खुदा के बंदे हैं, इनको भी निजात मिलनी है और निजात मिली है। मैं समझता हूँ गरीब लोगों को ज्यादा निजात मिलेगी, क्योंकि वो खुदा को सबसे ज्यादा याद रखते हैं, क्योंकि उनमें घमंड और किसी चीज की कोई जो मस्ती नहीं होती। हवाला टीना विलियम ने दिया, हवाला मत्ती 6 बाप उसकी 34 आयत में। और ये जो मैंने पोस्ट पढ़ी थी वो मदर ट्रीजा की थी, और मदर ट्रीजा तो वाकई उनके लिए किया सब कुछ कि जिनके लिए कोई दुनिया नहीं कर सकती थी, और वो काम किए कि हम जिन चीजों को गंदी चीजों समझते हैं, जो नालों से जिनको लोग इधर उधर बच्चे जो गरीब फेंक जाते हैं, उन बच्चों को, गंदे तरीन बच्चों को भी उसने धोया, उसने नलाया और उनको पाला पूसा। ये एक्चुअली काम है, ये मदद है, ये सबसे बड़ा काम है। तो हवाला जो दिया 6:34 शायद मत्ती की अंजील में, बस कल की फिक्र ना करो, जबकि खुदा कहता है कि कल की फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। बिल्कुल, हम तो रोज की फिक्र करते हैं, सोते फिक्र ठीक है, हमने पता है क्या जरूरत है, लेकिन साथ साथ हमें खुदा को भी याद रखना, उसके पाकलाम को भी याद रखना, क्योंकि वो तो जानता है। जैसे मैंने एक एक चीज को यूसुफ परवाज साहब की अभी गजल पढ़ी कि वो तो हर चीज पे निगाह रखे हुए है, एक एक चीज पे निगाह, पर हमारी गुर्बत पर, हमारी जरूरियात पर, हमारी दुख तकलीफों पर, एक एक चीज पर जब निगाह रखे हुए है तो हम क्यों फिक्र करें। बस जो खुदा ने दिन और रात बनाया के दिन को मेहनत कर, रात को आराम करें, सोए खूब मीठी नींद सोए, और सुबह को क्या करना है वो बेहतर जानता है, और उसने सारे बंदोबस्त जो हैं वो हमारे लिए कर रखे हैं। वो तो रूहानी बाप है और जिस्मानी बाप भी
उसको भी फिक्र होती है और वो भी हमारी एक एक जरूरत को दुनियावी तौर पर पूरा करता है, क्योंकि बाप की जिम्मेदारी होती। बहुत खूबसूरत हवाला है। तीन पोस्टें हैं, चार पोस्टें हैं बल्कि, सबाब नापकों से बहुत अरसा हुआ है, बहुत अरसा हुआ है। अब यार यारियां कम है, सुकून मैसर है, कई बीमारियां कम है। बिल्कुल, हम मनाप को झूठे लोगों की तरफ हम क्यों जाते हैं, क्यों टेंशन लेते हैं? जैसे पाकिस्तान में अक्सर आजकल ये कोई बात नहीं जी, टेंशन ना लवो तुसी, तो टेंशन, हालांकि टेंशन दे रहे होते। जब आप कहते कि टेंशन ना लो, तो अगर उसी आदमी को या कोई भी काम, तो आप उसके करो, भाई जी फिक्र ना करो, आपका काम हो गया, हो जाएगा। टेंशन का मतलब है कि देखा जाएगा, होएगा नहीं, और वो बेचारा कई दिन आपके दरवाजे पर चक्कर लगाता रहता है, कई चक्कर, और आप उसको यही कह देते हैं कि टेंशन ना लो। तो इस वजह से हमें ये मुनाफिक लोग करते, झूठे वादे करते, झूठे बातें करते, और इन मुनाफिकों से आप यारियां कम रखें, कम रखनी चाहिए, फिर आपको सुकून मैसर रहेगा, कि जो रोज की रोटी आपको मिलेगी, सुकून की मिलेगी, रोज मीठी नींद सोएंगे, सुबह खैरियत से उठेंगे। तो कई बीमारियां, सबसे बीमारी जो टेंशन का जिक्र किया है, फिक्रमंदी का जिक्र किया है, लेकिन उस निजात का भी शिक्र करें कि खुदा की निजात का इकरार करें, उसको माने, क्योंकि वो निजात याफ्ता है, उसने हमारी गलतियों गुनाहों के लिए जान की कुर्बानी देकर हमारे लिए रास्ता, निजात का रास्ता खोला। चौथी पोस्ट है, शेर है, बहुत खूबसूरत है, जाहिद तलाशे हूर में मस्जिद में आ गए हैं। बिल्कुल, ये तो उनका ईमान है, वो बेहतर जानते कि जो हौरों की बातें को, कि हमारा ये ईमान नहीं, और वो मस्जिद में पहुंच गए हैं हूरों की तलाश में। और आजकल हूरों का तो ये हाल है कि हम कोई भी रात जाती हुई हूर को भी देखें तो हम उसको बहुत जलीलो खार करते हैं, और पांच दाम नमाज भी पढ़ते हैं, खुदा का नाम भी लेते हैं, और हूरे भी हम दुआ करते कि जब मेरा या आपका ऐसा ईमान होगा कि हूरे मिलेंगी। खैर, मैंने पहले कह दिया सारी, मेरा नहीं, ये जिन लोगों का ईमान है, हूरे मिलेंगी वो बेहतर जानते। रिंदों ने नए कदे में खुदा कर लिया तलाश, और वो लोग रिंद, वो जो जिनका रोज आना जाना है, वो गुनाहगार, वो जो रोज शराब पीते हैं, रोज मैखाने में जाते हैं, आजकल तो घरों में मैखाने, और उनके लिए शराब क्या है, वो खुदा ही समझते हैं कि शराब के नशे में रहना और बेफिक्री में रहना, वो ही उसी को खुदा समझते हैं, और उसी में सुकून में रहते हैं। कि रिंदों ने नैकदे में शराब खाने में खुदा कर लिया है तलाश। परवेज अमर मरहूम, मेरे छोटे भाई, और वो बिल्कुल क्या बात थी, बहुत अच्छे शेर शायर थे। और कल मेरे कजन का भी, जो कल के दिन, और अजीब बात है कि जिस दिन कमरपाल, उसका नाम है, मेरे मामू का बेटा, बहुत दुनिया जानती है, एक चक नंबर 133, और जिस दिन कल उसकी बर्थडे थी, और उसी दिन ही वो वफात पा गया। खुदा के काम ने, जिस दिन वो इस दुनिया में आया, उसी दिन उसी दिन ही खुदा ने उसको बुला लिया। और परवेज अमर, रेत के आसमां पे दूर तलक हैं तारे, रेत के आसमां पे दूर तलक हैं तारे, ढूंढ निकले हैं उन्हें जान की बाजी हारे। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये नहीं कि मेरा भाई है तो मैं उसको बहुत अच्छा कहूँ, कमाल की शायरी है, मुझे उसका बहुत सारे शेर लिखनी है, बा कमाल शेर है। और उसने अपने जाने से कुछ देरी पहले, आज हूं मैं इस जमी का बाशिंदा, और वो शेर मुझे 1 साल पहले उसने दिया, मेरे साथ पाकिस्तान जाता था, मेरे साथ होता था, जो भी मैं स्टूडियो में इधर उधर प्रोग्राम, जो भी मैं वीडियो कैसेट्स करता था मेरे, तो ये लिख के दिया था।
वो पूरी गजल है, किसी दिन पढ़ूंगा। लेकिन ये शेर जो कि आज हूं मैं इस जमी का बाशिंदा और कल मुझे उस जहां में रहना है, कल मुझे आसमान में रहना है कि जमीन पर खुदा ने भेजा और वापस मुझे आसमान पे जाना है, क्या बात है। और ये बहुत बड़ा शेर है। सांस रुकती है तो रुक जाए मगर चलना है, ये बात है। हम रुके ना अच्छाई के लिए, मंजिलों के लिए, अच्छे काज के लिए, अच्छी मंजिलों के लिए चलते रहे और रुकते रहे। वो रुका नहीं, ये मैं उसको याद करता हूं, जैसे कमरपाल का जिक्र किया। दोनों बहुत सफर करते थे, किसी ना किसी मकसद के लिए दौड़ते ही रहते, और दोनों ही सफर में खुदा को प्यारे हो गए। यही एक काम किया तो जीवन किया है प्यारे, यही एक काम तो जीवन ने किया है प्यारे। बिल्कुल, जब वो खुदा को प्यारा हुआ तो वो एक कोच में बैठा हुआ था इस्लामाबाद, और उसी वक्त जैसे कोच में बैठा खुदा को पा रहा, और वो जो दुनियावी सफर को छोड़कर वो हकीकी सफर में चला गया, जो खुदा के पास सफर तय करना था वो पहुंच गया। क्योंकि आज मैं हूं इस जमीन का बाशिंदा, कल मुझे आसमान पे रहना है, और वो दोनों भाई आसमान पर रहने के लिए चले गए हैं। उम्र सारी में रहा प्यार तलब, नूर तलब, बिल्कुल सारी उम्र में प्यार में रहा, नूर की तलब में, रोशनी की तलब में, सारी उम्र बिल्कुल हम सारे नूर की रोशनी में, प्यार की रोशनी में, मोहब्बत की रोशनी में तलाश रहती है। सारे आंखों में वही साए, आंखों में वही तेरा शबी के सारे, और हमारी आंखों में ये सारी चीजें घूमते रहती है कि कब हमें प्यार मोहब्बत जो वो मिलेगा। लेकिन ये दुनिया प्यार मोहब्बत की कम रह गई है, बुराइयों की मुनाफ़क़तों की ज्यादा रह गई है। कक्षा आज भी लोगों की दस दस तरस में नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। वही वहशत, वही सैलाब के फिफरे दारे हैं, बिल्कुल। ये तो एक एक बात, ये शेर आखिरी भी, कि वही वहशतें हमारे मुल्क में है, वही सैलाब है। रोज आज भी खबरों में सैलाब की तबाहियां, और सिंध में और कराची में रोज एक बंदा खबरों में बोल रहा था कि जब कोई दोबारा हादसा होगा फिर सियासतदान नजरे आने शुरू हो जाएंगे, फिर वो फिर बाहर आएंगे, फिर बयान देंगे कि ये कर देंगे वो। अभी वजीरे आला साहब, सिंध के वजीरे आला, जो कल परसों पिछले हफ्ते की बात है, कैप्टन बने हुए थे, कराची की सफाई के लिए बयान दे दिया, उसके बाद कोई सफाई नहीं, उसी तरह का। तो ये जो वहशतें और सैलाब के जो जो तूफान है, ये इसी तरह मौजूद है। राजा कामरान इटली से बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट पोस्ट है। तकरीबन हमारे 50% यूथ अनपढ़ है, 100% सच्ची बात है राजा साहब, और बेहुनर भी है, और 10-10 अफराद के वहद वहद कफील भी। बिल्कुल, एक आदमी रोटी कमाता है और जवान बच्चे घर में सोए रहते हैं, और वो कुछ नहीं सुनते भी नहीं है, और एक तो अनपढ़ भी, हुनर भी नहीं। चलो मजदूरी करे, अगर बाप मजदूरी कर रहा है, लेकिन बाप बूढ़ा हो गए वो मजदूरी करता है, और 10 जाहिर है बीवी है, बहने हैं सब, और सब घर में बैठे हैं, तो 10-10 जो लिखा है कि 10-10 अफराद का वाहत कफील है, वाहत कमाने वाला है। जब तक हम इनको तालीम और हुनर नहीं देंगे, या तब तक हम चाहे सैकड़ों अफराद को संसार करें, या फांसी पर चढ़ा दे, या आदि कौम को मर्दाना कुव्वत से महरूम कर दे, तब तक बाले मिस्त्री, बिल्कुल बाले मिस्त्री, जीरा ब्लेड ऐसे नाम ही आते हैं, वो पता नहीं क्या क्या और भी ऐसे बड़े नाम है जो जहन में नहीं आ रहे, बाले मिस्त्री पैदा होते रहेंगे। क्योंकि हम सिर्फ
धुएं को फूंके मारते हैं। 100% आपने सही बात लिखी कि हम सिर्फ धुएं को फूंके मार रहे हैं, आपको बुझाने आग को बुझाने की कोशिश नहीं करते। जैसे हम तने को नहीं पकड़ते, बहुत अच्छे, और हम क्या वो शाखों को पकड़ते, जैसे माफिया माफिया का जोर तो लगा दें, हम उनको पकड़ लेते हैं कि जो वो माफिया ड्रग माफिया है जो वो गरीबों को बेचते हैं, हम उन गरीबों को पकड़ लेते हैं पैसे ले। तो जब हकीकत में जो जड़ है जो तना है हम उसको नहीं पकड़ते, और अगर पकड़ भी लेते हैं तो अदालतें छोड़ देती हैं और आपके सामने सब जमानतों पे मजे कर रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ दिन रात बोलते हैं, कहते हैं हुकूमत झूठी हम सच्चे हैं, हम जो झूठ बोल रहे हैं वो सच्चाई है। तो ऐसे लोगों को निजात क्या मिलेगी, कहाँ उनको निजात मिलेगी जो झूठ और मुनाफकत की बातें करते हैं। अरे गिल साहब की बहुत खूबसूरत पोस्ट है जो है चार, उन्होंने लिखा जिंदगी ऐसे जियो के अपने आप को पसंद आ जाओ। बिल्कुल, अगर आप खूबसूरत जिंदगी जीते हो, अच्छे काम करते, झूठ से मुनाफकत से दूर रहते, प्यार और मोहब्बत के लिहाज करो, तो अब जब अपने आप को पसंद है, जो इसका मतलब कि आपको पसंद है, आपको सुकून है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और लोगों की पसंद तो रोज बदलती है, इसमें कोई शक नहीं कि सब 100% सही लिखा आपने। दूसरी पोस्ट है मजहब शिकम, ये भी क्या बात है, ये आजकल का बहुत रौला है, मजहब शिकम 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 पेट के लिए, मजहब शिकम परस्त अनाओं की जद में है, और एक कायनात कितने खुदाओं की जद में है, मजहब शिकम परस्त है जो पेट के लिए काम कर रहे हैं। नाम तो मजहब का दे रहे हैं, नाम तो निजात का दे रहे हैं, खुदावंद की मखलसी का, लेकिन काम पेट के लिए कर रहे हैं, और इसमें कोई कोई शक वाली बात नहीं। अगर वो निजात वो खुदा को भूल गए हैं कि खुदा जब वो रोजी रोटी का वादा करता है, लेकिन फिर भी हम पेट के लिए जो गरीबों के लिए हम कारों में और सब कुछ घूम रहे हैं, और गरीब वहाँ का वहाँ है, तो रोज लोग रोज अपने हम खादम भी बदलते हैं, रिश्ते भी बदलते हैं, दोस्तियाँ भी बदलते हैं, क्योंकि लोगों की पसंद तो रोज बदलती है। तीसरी पोस्ट है बहुत छोटी सी लेकिन खूबसूरत, शुक्र तकबर से बचाता है। बिल्कुल, हम अगर शुक्र करेंगे फिर हम तकबर में नहीं जाएंगे, मगरूरी में नहीं जाएंगे, अना में नहीं जाएंगे, मैं वाली बात नहीं करेंगे, और सबर बेवफाई बिल्कुल, और सबर जो है कोई भी आपसे ज्यादती बहुत ज्यादा होती दुनिया का, और हमारी दुनिया में तो क्या बात है ज्यादतियाँ, लेकिन हम सब्र करते रहे, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, और उस सब्र को खुदा देख रहे हैं, और वो खुदा का हम शुक्र अदा करते रहें तो हम सब्र से सब कुछ हासिल करेंगे, और खुदा हमें ज़रूर अपनी निजात में निजात याफ्ता लोगों में शामिल भी करेगा। चौथी पोस्ट है तुम मत खोलो मेरी माजी के किताबों को, क्या बात है, हम तो वो लोग हैं कि जब कोई अच्छा काम करना लगे फिर हम उसके माजी को याद करके उसके मुंह पर उसका माजी देख और लोगों में बताते ये आज जो काम कर रखा ले इसका माजी ठीक है, माजी मेरा भी अच्छा नहीं, बहुत लोगों का अच्छा नहीं, लेकिन माजी को पीटते रहने के जबकि माफी मौजूद है, नजात मौजूद है, जबकि हमारे खुदाम यीशु मसीह हमारे मुनजी ने हमारे माजी को भूल कर, हमारी एक एक बात को भूल कर, एक अच्छे चरवाहे की तरह, एक अच्छे बर्रे की तरह स्लीप पर जान दे दी, तो जब उसने माफ कर दिया तो दुनिया क्यों नहीं हमने माफ करती, जो था वो रहा नहीं, बिल्कुल जो कुछ किया है वो तो रहा नहीं, जो हूं किसी को पता नहीं, मैं क्या हूं, जो था वो तो खत्म, माजी को पीटते रहने से तो कुछ नहीं, लकीरों को पीटते रहने से तो कुछ नहीं, जो हो गया माफी मांग ली, माफी मिल गया, आगे क्या हूं
मैं क्या हूं किसी को क्या पता, खुदा जानता कि मैं क्या हूं, ठीक हो गया हूं नहीं हो गया हूं, निजात मिल गई या नहीं मिल गई। हम कौन होते हैं? हमारा काम सिर्फ स्वाय इसके उंगलियां उठाने के और दूसरियों के माजी को याद करना और उसकी बुराइयों को याद करके उसकी अच्छाइयों को भूल जाती, उसकी 100 नेकी को एक गलती ऐसी करते कि हम वो नेकियों को भूल कर उसकी उस बुराई को दुनिया के सामने खूब बयान करते हैं। बहुत खूबसूरत है फकीर बेसाई, चाहने जाने वाले ना कभी लौट के आए हैं साईं, और बिल्कुल जो चला जाता है खास तौर पर इस दुनिया में, जैसे मैंने अपने भाइयों का जिक्र किया प्रवेश अमर कमरपाल का, चले गए, अब हमने ही उनके पास जाना है। और यही इस जो फकीर भी साईं के इस इबादत का मतलब है, हम अपनों को याद ही करते हुए मर जाते हैं। बिल्कुल जैसे सबका माँ बाप चले गए, बहन भाई जवानी में कहीं चले, हम उनको याद करते करते हम भी मर जाते हैं, और हमने भी मरना है, हमें भी उस दुनिया में वापस जाना है, क्योंकि इंसान तो खाक और खाक में मिल जाएगा, और यही तो सबसे जरूरी बात है, हम फानी है, हमें फना होना ही होना है। बहुत अच्छा रईस अब्दुल्ला जबार की दो पोस्टें बहुत अच्छी, अगर अगर जूती लटकाने से, ये अक्सर हम दरवाजों पर बहुत सारी चीजें, जैसे वो घोड़े का जो पोंख नीचे उसको संभोलते, पता नहीं क्या लोहे के होते हैं, और उसी से वो भागता है क्योंकि वो मजबूत रख, हम वो भी गाड़ियों पर लटकाते हैं, घरों पर लटकाते हैं, ये लटका लो, कोई भी आपके जो धागा तवीज कोई बला कोई जो बुरी बला नहीं आएगी, अगर जूती लटकाने से आपकी गाड़ी बच सकती है तो आपकी जिंदगी की गाड़ी ज्यादा कीमती है। एक जूती गले में भी लटका लो, और अगर जूती लटकाने से गाड़ी बच सकती है, एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो फिर गले में भी जूती लटका ले तो फिर आपकी जिंदगी बच सकती, कभी नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदगी का मालिक वो। और इन छोटी हम झूठी बातों से हम बेईमान होते हैं, इसका मतलब है कि हम निजात का इकरार नहीं करते, ये शैतानी काम है, ये इधर उधर की बातें, झूठ की बातों पर ईमान रखना, पीरों फकीरों के पास जाना, खुदा के पास नहीं जाना। कल जैसे एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी कि किसी के पास कोई बंदा गया दुआ के लिए कहा, और उसने पूछा कि तेरी माँ जिंदा, उसने कहा जी, तो फिर उसने कहा जा मेरे पास क्या लेना, तेरा पीर घर में बैठा है, तेरी माँ तेरा बाप उसके पास जा दुआ ले ले। दूसरी पोस्ट है अब्दुल जुबार की, तल्लक और रिश्ते फुर्सत के होते हैं, होते नहीं बल्कि इज्जत के मताज होते हैं, बिल्कुल इज्जत के मताज होते हैं, उनको जितनी इज्जत दीजिए उतने ही गहरे और मजबूत हो जाते हैं। आए अल्लाह हम सब को हर दुख तकलीफ से तकलीफ और परेशानी और हर किस्म के मौजी मर्ज और वबा से महफूज फरमा, आमीन। तालबे दुआ कौन है? तालबे दुआ मांगने वाला कौन है? जो अब्दुल जुबार साहब लिखते हैं। उसके बाद आखिरी पोस्ट है टीना विलियम, मेरी बहन ने हवाला दिया, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 10:15 बाब और उसकी 12 में, क्योंकि यीशु ने कहा है, खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे ने कहा है, मेरा हुक्म ये है, हम हुक्म तो वो दे रहा है लेकिन हम तो उसके हुक्मों को भी नहीं मानते, मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदा का हुक्म, खुदा के बेटे का हुक्म, और सबसे बड़ा हुक्म ही यह है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। जैसे कोई से एक नौजवान उसके पास आए, तो उस्ताद मैं क्या करूं कि मैं जिंदगी की या निजात पालूं, तो उसने कहा
कि तू हुक्मों को जानता है। तो उसने कहा जी मैं एक एक हुक्म को जानता और इस पर अमल करता रहूं। और उसने फिर कहा कि तू अपना सब, एक्चुअली तो उसका मकसद था कि मैं भी इसके शागिर्दों में या इसके मानने वालों में शामिल हो जाऊं। तो उससे उसने कहा कि जा तू सब कुछ बेचकर मेरे पीछे उला। लेकर वो मायूस हो गया और खुदा को उस पर तरस भी आया, क्योंकि वो जानता था कि ये एक अमीर आदमी है, ये बेचकर मेरे पीछे नहीं आ सकता। तो ऐसे निजात नहीं मिलेगी, ऐसे खुदा का ये खुदा का हुक्म नहीं है। तो खुदा का हुक्म तो ये है कि तू अपने आप से प्यार कर, बल्कि अपने पड़ोसी से, अपने आप से भी बढ़कर प्यार कर, ये खुदा का हुक्म है। और यहाँ पर जो हवाला लिखा है, यीशु ने कहा मेरा हुक्म है, हालांकि वो हलीमी की, लेकिन यहाँ उसने कहा कि मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो फिर हम नजात का इकरार करते हैं, क्योंकि खुदा के हुक्म मानते हैं। 10 हुक्म है बाइबल मुकद्दस में, कितना कुछ है, खुदा की सिखाई हुई दुआ है, वो भी हम पढ़ते। लेकिन अगर हम नजात का इकरार भी करते हैं और खुदा के हुक्मों को भी मुंह से मानते, तो जब तक हम पूरे तरह से इकरार नहीं करते, तो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते और उस पर अमल नहीं करते, तो हम निजात का कैसे वारिस हो सकते हैं। लेकिन जो खुदा कहता है बाइबल मुकद्दस में, और जो हवाला मैंने शुरू में पढ़ा था, और वो था मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियों के नाम, और उसकी 10 और 11 आयत में यू लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है। रास्तबाजी के लिए, अगर हम दिल से ईमान रखते तो फिर रास्तबाजी के लिए, फिर हम रास्तबाज हैं। दिल से ईमान लें, पक्का ईमान लें, कबूल करें, तो फिर रास्तबाजी, फिर रास्तबाज हैं। क्योंकि ये कलाम, सॉरी, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। बिल्कुल खुदा की बात, ये तो कभी भी इनको हम जितला नहीं कर सकते। और हम जब भी इकरार करते हैं वाकई रास्तबाजी के लिए, तो ईमान लाना भी दिल से होता है, निजात का इकरार करना भी, तो फिर हम खुदा की निजात का इकरार करते हैं। चनाचे किताबे मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। जो कोई उस पर ईमान लाएगा, इस बाइबल मुकद्दस पर, खुदा के हुक्मों पर, खुदा की एक एक बात पर ईमान लाएगा, वो कभी भी वो किसी चीज की उसको कमी नहीं आएगी। और ये बातें हमें दिन रात हम करें, दिल से ईमान लाना और इकरार करना कि वाकई मैं निजात याफ्ता हूँ, मैं निजात का इकरार करता हूँ, और निजात मिल गई, बिल्कुल मिल गई, क्योंकि उसने हमारी निजात के लिए, हमारी मखलसी के लिए सारी जिंदगी की, जो जिंदगी हम मौत को, मौत का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, लेकिन उसको पहले से पता था कि मुझे मौत मिलनी है और लानती मौत मिलनी पे, क्योंकि वो खुदा था, खुदा का बेटा था, तो वो आया अभी इसी मकसद के लिए था, और उसने वो अपना मकसद पूरा किया। लेकिन हम तो मौत के नाम से डरते हैं, लेकिन वो मौत के नाम से नहीं डरा, इसलिए कि उसने हमारे लिए निजात, निजात का काम करना था और किया। उसने वो प्याला पी लिया जो कि हर कोई नहीं पी सकता, और उसने बाप से आखिरी वक्त गतसबनी के बाग में गिड़गिड़ा कर दुआ की थी, जो पसीना खून बन करके भी इंसान होते वो डरा, और उसने कहा अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल दे, लेकिन उसने कहा कि तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी वो पूरी हो। और हम भी अगर ये चीज का तो इकरार करें, लेकिन हमें तो स्लीपर नहीं जाना, हमें तो जो भी मौत आनी है
आराम से आएगी, सुकून से आएगी अगर हम इकरार करते हैं, दिल से मुंह से इकरार करें कि हम निजात याफ्ता हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, हर दुख तकलीफ से, हर किस्म की बीमारी से और मुश्किलों से बचा कर रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।